हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर के मेन विलन ईवॉक्स और पावर रेंजर आरपीएम के मेन विलन वेंचिक्स के बारे में, और जानेंगे इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन था। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंचिक्स की, जो कि मेन विलन था पावर रेंजर आरपीएम का, और इसको बनाया था डॉक्टर के ने। और किसी तरह वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है और सारे प्लैनेट के कंप्यूटर सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर देता है। और इसके बाद वेंचिक्स वायरस का पूरा कंट्रोल था कम्युनिकेशन में, पावर में, डिफेंस सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजों में। और इसी के साथ वेंचिक्स वायरस ने अपनी खुद की एक रोबोटिक आर्मी बना ली थी, ग्राइंडर्स कर लिए थे, वेंचिक्स ड्रोन रख लिए थे, और इन सब की मदद से वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था। इसके बाद अर्थ पर सिर्फ एक ही जगह थी जो सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, और वो थी डूम सिटी ऑफ क्रोनेथ, और ज्यादातर लोग सरवाइव करने के लिए वहां चले गए। साथ ही इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू प्रोटेक्टर्स चुने जाते हैं जो कहलाते हैं पावर रेंजर आरपीएम, और इनके सूट्स को भी डिजाइन किया था हमारी डॉक्टर के ने, और ये बचाते हैं सारे लोगों को। साथ ही यार ये मेन विलन वेंजिक्स को भी हराते हैं। अब बात करते हैं ईवॉक्स की, और ईवॉक्स मेन विलन था पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर का, और यार इसको जरूरत थी मॉर्फ एक्स की ताकि अपनी बॉडी को गेन कर सके, साथ ही ये पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन मेन क्वेश्चन यही आता है कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन था। तो चलिए ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारे रेंजर्स ने वेंजिक्स को हरा दिया था, तब वेंजिक्स का एक छोटा सा पोर्शन उनके मॉर्फर में चला गया था, और इन्हीं मॉर्फर को यार हमारे ग्रिड बैटल फोर्स में लेकर आया गया था, यानी कि हमारे प्राइम डायमेंशन में। अब एक लड़का जिसका नाम था नेट सिल्वा, जो कि आगे चलकर बनेगा हमारा गोल्ड रेंजर, वो यार बचपन में बहुत ज्यादा स्मार्ट था और वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। और इसी दौरान नेट सिल्वा करता है एक्सपेरिमेंट हमारे सेल शिफ्टिंग मॉर्फर्स के ऊपर, और इसी दौरान नेट सिल्वा सेल शिफ्ट मॉर्फर में मॉर्फेक्स और स्नेक के डीएनए को मिक्स कर देता है, और इसी से बनता है हमारा ईवॉक्स वायरस। क्योंकि जो छोटा सा पोर्शन था वेंजिक्स वायरस का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्नेक डीएनए को, साथ ही मॉर्फेक्स को, और इसकी मदद से उसको नई शक्तियां मिलती हैं, और उसको एक कोबरा जैसा स्ट्रक्चर भी मिलता है, और इसी दौरान वो एस्केप कर जाता है ग्रेट बैटल फोर्स के कंप्यूटर सिस्टम में, और वो कई सालों तक इसी में छुपा रहता है। इस दौरान वो वेट कर रहा होता है कि कब ग्रिड बैटल फोर्स के लोग एनर्जाइज करेंगे मॉर्फेक्स टावर को, और उसकी मदद से वो अपने लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट करेगा, साथ ही पूरी दुनिया पर फिर से कंट्रोल करेगा और दुनिया से ह्यूमैनिटी का सर्वनाश कर देगा। और इसी दौरान वेंजिक्स वायरस का जो बचा हुआ डेटा था, वो अभी भी हमारे स्कॉट के सेल शिफ्ट मॉर्फर में था, और शो के दौरान हमने देखा था कि जो हमारा ईवॉक्स रहता है वो अपने पुराना डेटा को फिर से रिकवर भी कर लेता है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो हमारा ईवॉक्स है और जो हमारा वेंजिक्स वायरस है वो सेम ही है, बस जो हमारा ईवॉक्स था उसको थोड़ा म्यूटेट कर दिया गया है, इस वजह से उसके पास एक डिफरेंट बॉडी है, साथ ही यार वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और ये चीज तो माननी पड़ेगी, जो वेंजिक्स वायरस था वो वन ऑफ द पावरफुल विलन था पावर रेंजर यूनिवर्स का। यार उसने लगभग सारे पावर रेंजर्स को हरा दिया था, और एक तरह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। आपके क्या विचार है इसमें हमें कमेंट कर जरूर बताना, साथ ही हमें बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।